हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार। तो गाइज, आज आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, आज हम आ चुके हैं एक चिकन फार्म में। ये देसी मुर्गी का फार्म है और हम यहां आ चुके हैं एक्चुअली पता करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, कैसा है और क्या कॉस्ट वगैरह पड़ता है यहाँ से, अगर जो कोई संपर्क करना चाहता है। तो हमने आया और भैया से कांटेक्ट किया तो पता चला कि यहाँ पे देसी मुर्गे का बहुत बड़ा फार्म है और ये कमर्शियल पर्पस के लिए है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा फ्री एरिया है, यहाँ पे खुला है और यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारी मुर्गे मुर्गियाँ आपको दिख जाएगी। देखिए इधर भी देखिए, देखिए तो यहाँ पे इनके ओनर से बात करके हमें ये पता चला कि देखिए, कोई भी चीज़ का, या तो फिर आप मछली पालन करो या फिर मुर्गी पालन करो या फिर आप जो भी इंटरेस्टेड हो जिस फील्ड में आप वो पालन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि भैया ने बताया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे फिर ये आ जा रही है कि इसका मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब इसका मेंटेनेंस चार्ज, ओके, इसके लिए कितना एरिया होना चाहिए, कितना खर्च आता है, लागत कितना होना चाहिए, पर मुर्गियों पे कितना दाना प्रोवाइड करना है, पानी सिस्टम करना है, मतलब जितने भी चीज़ आते हैं छोटे से छोटे पॉइंट को अगर जो कंसीडर किया जाए तो वो आ जाता है मैनेजमेंट सिस्टम में। और जो इस मैनेजमेंट सिस्टम का पालन कर लिया, जो समझ गया इस चीज़ों को, फिर उनके लिए बिजनेस एकदम मानो कि बहुत ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पे भैया ये कॉमर्शियल पर्पस ये मतलब शुरुआत किए हैं, अभी बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, लगभग 6 महीना मैक्सिमम हुआ होगा इनका। और मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, अपने बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये एक गांव है, वहीं का ये लोकेशन है। मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी पर्पस या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो उस नंबर पर आप संपर्क करके उनसे आप पता कर सकते हो। और हमने पूछा कि और बताइए इसमें क्या क्या आपका करना होता है, कैसे क्या करना होता है, तो इन्होंने बोला देखिए इनका खाने पीने का, और जैसा कि ये लोग बल्क में रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मान के चलिए कोई बीमारी आया समझे, तो उसके लिए इनका बचाव तो वो सबसे बड़ी फैक्टर होती है। क्योंकि ये देखिए ये छोटी छोटी मुर्गियाँ बल्क में रहती है और अगर जो एक के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या होता है, कॉम्युनिकेबल हो जाता है, एक दूसरे में फैलना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपका बिजनेस में घाटा भी आ सकता है। तो उस सब चीज़ से पहले ही बचाव करना होता है। और खाने पीने की चीज़ हुई तो नेचुरली इनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि इनको ऐसा ना लगे कि हम कहीं मतलब एक क्या मॉडिफाइड एरिया में हैं, तो इनको एक नेचुरली हब प्रोवाइड किया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखिए ये हम अंदर आ चुके हैं, वो बाहर का फील्ड था, खुला एरिया था, उसको ग्रीन कारपेट से मतलब वो घेर दिए थे और ये हम अंदर आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका पानी का सिस्टम है, दाने का सिस्टम है और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं इसमें कुछ मतलब वो जो कद्दू वगैरह होता है, कोहरा वगैरह, तो उसको भी काट के इन्होंने डाल दिया है ताकि उसको भी जो खा सकें, फीडिंग के लिए उसको दिया गया है। देखिए और साइज़ भी बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ 3 kg मैक्सिमम यहाँ पे इसका साइज़ होगा। और छोटा से छोटा मतलब मान के चलिए ये 300 से 400 ग्राम तक का स्टार्टिंग होगा। और भैया बोले कि हम देखिए डायरेक्टली मुर्गियाँ भी बेचते हैं और उसका अंडा भी बेचते हैं, ये लोग अंडा भी यहाँ से प्रोसेसिंग करके अंडा भी निकालते हैं और बेचते हैं। तो हमने पूछा कि भैया फिर बताइए अंडे का क्या दाम हो सकता है, तो उन्होंने बताया देखिए ये देसी मुर्गा है तो थोड़ा सा कॉस्टली तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन उतना भी हमें नहीं लगा जितना उन्होंने बताया। तो अगर जो मैं बात करूँ पर अंडे का, मतलब एक अंडे का कितना दाम हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि भैया ये करीब करीब आपको 8 रुपया पड़ेगी, अगर जो आप इंडिविजुअल ले रहे हो मतलब कि 10, 20, 50 इस तरीके से, तो आपको 8 रुपया पड़ेगी। अगर जो आप बल्क में लेना चाहते हो, एक मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी लेना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये लोग कर देंगे, ऐसा इन्होंने बता रहा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का कोशिश किया है। बाकी आप मुर्गियों को देखिए कितना सारा है, देखिए और ये पूरा एकदम इसका बनाया गया है वेंटिलेशन टाइप का, ताकि एयर वगैरह हो या फिर एटमॉस्फेयर का जो भी कंडीशन हो इसको मेंटेन रहे, ये ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि देखिए इतना सारा जब एक जगह रहेगा, और नीचे का आप जगह देखिए, देखिए हमें अच्छा लगा, यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा लगा। थोड़ा सा मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर जो अच्छे से आप करते हो और उसको मैनेजमेंट कर लिए, उसको मैनेज कर लिए, चीज़ों को छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखे अगर जो स्टार्ट कर लिए, तो
बहुत अच्छा ये बिजनेस है और बहुत बढ़िया रन करता है। वैसे वो Thank you.